यार फ्लैट 50% ऑफ मेकअप में कभी सुना है आपने यार? ये डील या तो सुनने को नहीं मिलती है, सुनने को मिलती है तो साल में एक या दो बार, बहुत मुश्किल से। आज की वीडियो डेडिकेटेड है लिपस्टिक के ऊपर, लिपस्टिक यानी कि लिक्विड लिपस्टिक, हमारे लिप क्रेयॉन्स एंड बुलेट लिपस्टिक, हर तरह के लाइक लोगों के लिए जिनकी लिप्स ड्राई है, जिनकी लिप्स जो हर तरह की लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं, तो हर तरह की लिपस्टिक्स हैं और हर तरह के लोगों के लिए है। एंड मैंने आपके साथ बहुत सारे लिक्विड लिपस्टिक से रिव्यू और हर तरह की लिपस्टिक से रिव्यू शेयर करे हैं जो 400-500 की रेंज में आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि अफोर्डेबल की रेंज में लाइक लेके आऊँ प्रोडक्ट। लेकिन वो भी आप बोलते हो कि यार महंगा है, 400-500 भी लाइक हमें महंगा लगता है। तो यार मैं आज बहुत कमाल की चीज लेके आई, वही लिपस्टिक जो 500 रुपए की होती थी आज 250 की, जो 400 की होती थी वो 200 की, जो 100 की मैंने आपके यहाँ चेक करी थी वो आज 50 रुपीज की है यार, विच इज वाव, बहुत कमाल का ऑफर है। एक्चुअली purple.com पे चल गई है फ्लैट 50% सारी लिपस्टिक्स पे, तो शेयर करनी थी मुझे आज ही ये डील, क्योंकि आज ही के लिए है जो ये ऑफर वैलिड है, कल मुझे नहीं पता कि होगा कि नहीं, लेकिन आज तो है। तो जो भी लिपस्टिक्स लाइक आपकी जो विश लिस्ट में है, अगर आपको खरीदना चाहते हैं तो आज बेस्ट डे है, क्योंकि ये डील यार ऑनलाइन 50% ऑफ लिक्विड लिपस्टिक्स या बाकी लिपस्टिक्स जो मैंने कभी नहीं सुना, 10, 15, 20, 30 भी सुना है, 40 भी सुना है, लेकिन 50% मैंने नहीं सुना। तो अगर आपकी विश लिस्ट में कोई है या फिर आप मेरी रिकमेंडेशन से कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आज खरीद सकते हैं, क्योंकि 500 में या दो लिपस्टिक्स आ जाएंगी या 500 में तीन भी आ सकती हैं, तो आ जाइए। मैं तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ लिपस्टिक्स। ओके, तो सबसे पहले लिक्विड लिपस्टिक की बात कर, मैं बात कर रही हूँ जिन दो लिक्विड लिपस्टिक्स की मैं बात कर रही हूँ, जिनमें शेड रेंज का माल की है, 400 रुपए की आ गया, 200 रुपए की मिल रही है आपको, यार कितनी अच्छी डील है। तो ये है एक पर्पल की अल्ट्रा एचडी लिक्विड लिपस्टिक, एंड दूसरी है ये हमारी स्टेक वर्की की लिक्विड लिपस्टिक। मुझे लगता है ये दोनों ऐसे ब्रांड है जो मार्केट में अफोर्डेबल लिक्विड लिपस्टिक लेके आए, क्योंकि यार जो हम जैसे लोग इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक, मैं 1000 रुपए की पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो मैं 1000 रुपए लिपस्टिक में कभी भी स्पेंड ना करो, भले ये लिपस्टिक है 400-500 रुपए की और अभी 250 की आपको मिल रही है यार, विच इज अमेजिंग, आपको 500 रुपए में दो लिक्विड लिपस्टिक मिल जाएंगी। पहले बात कर लेते हैं स्टेक वर्की की लिक्विड लिप, खोलते हैं तो इनका वॉन्ड दिखता है कुछ ऐसा, काफ़ी छोटा सा प्यारा सा वॉन्ड है एंड इस तरह से टेढ़ा टिल्टेड वॉन्ड है, जिससे लगाने में इन लिपस्टिक्स को काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है हमें, इसलिए इन्होंने टिल्टेड वॉन्ड दिया, जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड ये फ्रेशली अप्लाइड स्वॉचेज हैं, इनको सूखने में 15 से 20 मिनट लगते, 15 से 20 सेकेंड लगते हैं, तो ये जब अच्छे से ड्राई हो जाते हैं तो ये लगते हैं कुछ ऐसे। एंड मैंने जो भी शेड्स मंगवाए हैं सारे वो शेड्स हैं जो इंडियन स्किन टोन पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, चाहे फेयर हो, मीडियम हो या डस्की स्किन टोन हो, क्योंकि मैंने आपको पहले शेयर किया था मेरे घर में 4 लड़कियां हैं एंड हम सब अलग अलग कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो मैंने उसी हिसाब से सारे मंगवाए हैं। चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं, ये है स्मज टेस्ट जिसको इसने पास कर लिया है। मैंने इसको पहले स्मूथली रब किया बड़ी सॉफ्टली एंड देन मैंने इसको हार्शली रब किया, तो ये कहीं नहीं गया। चलिए वाटर प्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट कर लेते हैं, तो वाटर प्रूफ टेस्ट में तो ये पास हो गया है, बिल्कुल कहीं नहीं गया पानी गिरने पे। एंड पानी डालने के बाद मैं अपने हैंड्स को मसाज कर रही हूँ एंड ये लिपस्टिक्स कहीं नहीं गई, इसका मतलब इसने वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट भी पास कर लिया है, जो कि कमाल का है यार। सी, ये कहीं नहीं गई। चलिए अब बॉडी वॉश टेस्ट कर लेते हैं, मैंने अपना बॉडी वॉश लेके हैंड्स पे लगाया है, देखते हैं क्या ये बॉडी वॉश से चली जाएंगी। तो मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ अपने बॉडी वॉश से एंड लेट्स सी, सी कलर इतना सा भी बाहर नहीं आया, बॉडी वॉश से बिल्कुल नहीं उतरने वाली है ये, चाहे आप सोप यूज़ कर लो, शैम्पू यूज़ कर लो। तो बस मैंने अपने एक कपड़े से इसको रिमूव किया, सी ये कहीं नहीं गई है, वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल कलर इतना सा भी नहीं उतरा इसका, विच इज़ अमेजिंग यार। आई मीन फॉर द प्राइज यू आर पेइंग गेटिंग अ रियली वेरी नाइस प्रोडक्ट। चलिए अब एक आखिरी टेस्ट कर लेते हैं जो कि ऑयल टेस्ट, क्योंकि ऑयल से तो ज़्यादातर चीज़ें फटाफट से रिमूव हो जाती हैं, मेरे पास कोकोनट ऑयल है तो देख लेते हैं। तो अगर ऑयल से मैं इसे नॉर्मली रब कर रही हूँ तो ये कुछ नहीं हो रहा है, इसको कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब आप कितना भी ऑयली फूड खा लो तो ये कहीं लिपस्टिक्स नहीं जाने वाली हैं, कहीं बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होने वाली हैं। तो ये नॉर्मली अगर मैं ऑयल से रब कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, चलिए थोड़ा सा हार्शली रब करके देखते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के अगर हम इसे रब करें तो देखते हैं। तो जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो है कलर बाहर आने लगा है, थोड़ी थोड़ी ये रिमूव होने लगी हैं, मैं इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के रब करने की कोशिश कर रही हूँ अपने हैंड से, मगर ये फिर भी पूरी तरह नहीं निकल रही हैं, थोड़ी थोड़ी निकलनी स्टार्ट हो गई हैं, मैं ये करते हुए बहुत ज़्यादा थक गई थी लिटरली। चलिए हैंड से तो रिमूव नहीं हो रही है, मैंने कपड़ा ले लिया है उसकी हेल्प से जो है ये
रिमूव हो गई हैं, ऑयल मैंने लगाया है एंड देन मैं कपड़े की हेल्प से इसे रिमूव कर रही हूँ तो ये रिमूव हो गई है। इसका मतलब है लेट नाइट। ये एक्चुअली है ब्राउनी, डीप ब्राउनी बगेंडी शेड, एंड ये ऐसा शेड है जो डीपर कॉम्प्लेक्शन पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा डीपर कॉम्प्लेक्शन पे एज़ कम्पेयर टू फेयर कॉम्प्लेक्शन, उनके लिए काफ़ी अच्छा न्यूडी ब्राउनी शेड बन सकता है। एंड देन जो है न्यूड लस्ट इन माई ब्लड, ये एक बहुत ही प्यारा मॉवी पिंकी शेड है एंड ये भी ऐसा शेड है जो हर कॉम्प्लेक्शन पे सूट करेगा। एंड यार इनके शेड्स के नाम बड़े प्यारे हैं, पता नहीं कैसे सोचे हैं इन्होंने। बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं यार, अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना, 10 यूट्यूबर्स के स्वॉचेस देखना, अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, ठीक है। देन जो नेक्स्ट है ये है राइट अटायर फॉर सेलिब्रिटी नाइट, ये बहुत ही प्यारा डीप पिंक शेड है एंड इतना प्यारा लगेगा सारे स्किन टोन्स पे क्योंकि ये डीप पिंक शेड है, बहुत ही प्यारा पिंक शेड है यार, मुझे ये पर्सनली कलर ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, हर स्किन टोन पे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि ये डीप पिंक है, लाइट पिंक नहीं है। एंड देन है आई वोक अप लाइक दिस, ये है एक न्यूडी मूवी शेड एंड जब मैं एक्चुअली मंगवाने वाली थी लिपस्टिक्स, मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के स्वॉचेस देख रहे थे तो ये वाला एक्चुअली बहुत सारी डीपर कॉम्प्लेक्शन के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने जब लगाया हुआ था उन पर और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो जिनका डीपर कॉम्प्लेक्शन है ये उन पर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड देन है ये मेरा पर्सनल फेवरेट शेड जिसका नाम है XXX, ये कूल टोन रेड कलर है, शेड में आपको रेड ऑरेंज एंड पिंक तीनों की हिंट दिख जाएगी, तो ये एक बहुत ही प्यारा शेड है जो कि मुझे लगता है हर स्किन टोन में एकदम कम माल का लगेगा। ये थोड़ा सा कॉरली रेडिश इस तरह का शेड है पर ये बहुत ही प्यारा शेड है। एंड देन लास्ट जो हमारा शेड है ये नॉटी कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स, ये भी एक मूवी डीप ब्राउनी पिंकी मूवी शेड है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड मुझे लगता है डीपर कॉम्प्लेक्शन पे भी ये वाला शेड बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये है एक डीप मूवी शेड। आप अच्छा कितना भी खा पी लो ये नहीं हटेगी, लेकिन अगर आप लाइक बहुत देर तक कोई ऑयली फूड खा रहे हो तो आप कोई भी लिपस्टिक, आपको पता होगा अगर आप ऑयली फूड खा रहे हो तो जब हम कुछ भी फूड वगैरह खाते हैं हमारे जो लिप्स हैं इधर से रब होते हैं लाइक ऐसे ऐसे हम खाते हैं ना, तो लिप्स हमारे कंटिन्यूसली रब होती है, तो आप दुनिया की कितनी भी महंगी लिपस्टिक ले आओ वो सेंटर से जहाँ से आपके लिप्स रब हो रहे हैं वो हट ही जाएगी, ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगी। तो लाइक अगर आप कंटिन्यूसली बहुत देर से खा रहे हो, जैसे हम शादियों वगैरह में खाते ही रहते हैं, स्पेशली मैं तो खाने ही जाती हूँ, तो आप कितनी महंगी लिपस्टिक लगा लो, कितनी भी सस्ती लिक्विड लिपस्टिक लगा लो, वो सेंटर से हट जाएगी, बाकी इंटैक्ट रहेगी और ये आराम से 10 से 12 घंटे स्टे करती है, कहीं नहीं जाने वाली है, कितना भी खा पी लो बस सेंटर से थोड़ी थोड़ी रिमूव होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप कंटिन्यूसली काफ़ी देर तक खाते हो तो, ठीक है। और बाकी वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, बॉडी वॉश से भी नहीं जाने वाली, बॉडी वॉश से अगर आप रिमूव करोगे नहीं हटेगी। ओके, देन जो दूसरी लिक्विड लिपस्टिक की मैं बात करने वाली हूँ वो ये पर्पल की, जैसे कि मैं आपको बताई चुकी पैकेजिंग का माल की है, इतने अच्छे से बॉक्स में ये लोग सेंड करके देते हैं, ये भी 200 रुपये के आसपास की कुछ अवेलेबल है, इसके अंदर ही आपको मिलती है लिक्विड लिपस्टिक एंड इसके ऊपर भी लाइक पॉलिथिन चढ़ी हुई थी क्योंकि मैंने इसको खोल लिया है, तो मैं अभी बहुत प्यारे प्यारे समर्स के शेड आए हुए हैं, मतलब कॉरल्स, पिंक्स, रेड्स, ब्राउन्स, बर्गंडीज, मॉवी, न्यूज, बहुत बड़ी शेड रेंज है, बहुत प्यारा है, मुझे मतलब मैंने 6-7 कलर्स मंगवाए हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो अगर आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, चैप्ड होते हैं, तो ये तो अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद लिक्विड लिपस्टिक लगाएं या फिर आप लिक्विड लिपस्टिक्स लें ही ना, ठीक है। ये लिपस्टिक्स भी वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, 10 से 12 घंटे इजीली आपके स्टे कर जाती है, लेकिन हर लिक्विड लिपस्टिक्स की तरह अगर आप कंटिन्यूसली खा रहे हो फूड तो सेंटर से जो है थोड़ी थोड़ी रिमूव होनी स्टार्ट हो जाएगी, बाकी इंटैक्ट रहेगी। और ये कोई भी लिक्विड लिपस्टिक आप टेस्ट कर सकते हो, अगर आप कुछ बहुत देर से खा रहे हो तो वो सेंटर से जब आप, क्योंकि लिप्स रब होते हैं तो वो हट ही जाएगी, तो बाकी लिक्विड लिपस्टिक किसी भी हाई एंड लिक्विड लिपस्टिक्स की कोई कम नहीं है। मैं यार मेरा कभी मन करता है कि मैं शुगर वगैरह की लूँ लिपस्टिक वगैरह, पर वो बहुत ज़्यादा महंगी है, 800-900 रुपए की एक आती है, तो ये अच्छी है ना हमारी, मतलब अभी तो 200-225 के आसपास की कुछ आपको मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि स्टेक वर्की की एंड पर्पल की इन दोनों रेंज में अगर आप अफोर्डेबल की रेंज में लिक्विड लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अब इसके भी स्वॉचेज एंड लिप्स वॉचेज एंड हैंड्स वॉचेज। ओके, तो ये लिक्विड लिपस्टिक्स दिखती है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है, बहुत ही क्यूट सी ग्लास बॉटल टाइप ऑफ पैकेजिंग में रिसीव होती है एंड मैं आपको इसका वॉन्ड दिखा देती हूँ। इसका वॉन्ड दिखता है कुछ इस तरह से, टिल्टेड वॉन्ड है जिससे बहुत इजी एप्लीकेशन हो जाती है, बहुत ईजी हो जाता है अप्लाई होने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये है इसकी पैकेजिंग, चलिए अब देख लेते हैं स्वॉचेज। ये है बहुत ही प्यारा हमारा पहला जो शेड है, बहुत ही प्यारा कॉरल शेड है एंड देन ये है हमारा डीप पिंकी ब्राउनी शेड,
देन ये है हमारा, एक्चुअली ये जो शेड है ना माई फर्स्ट डॉग, बहुत सुंदर है, लेकिन ये मेटालिक शेड है, तो अगर आप मेटालिक लिपस्टिक लवर हैं तो यू लव इट। एंड देन है ये बहुत ही डीप पिंक शेड, एंड देन ये मुझे शेड अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा बर्गेंडी ब्राउनी काइंड ऑफ शेड, मुझे अच्छा नहीं लगा ये शेड। एंड देन ये भी है डीप पिंकी कॉरल काइंड ऑफ अ शेड। तो ये हो गए हमारी लिपस्टिक, ड्राई हो गई कुछ इस तरह से लगेगी, क्योंकि एब्सोल्युटली स्मच प्रूफ है एंड ट्रांसफर प्रूफ है, 7 से 8 घंटे इजीली स्टे कर जाएगी ना, रियली लव इट। तो ये है हमारा फर्स्ट शेड, ये मैंने पूरी वीडियो में एक्चुअली वेयर किया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा कॉरल शेड है, परफेक्ट फॉर समर्स, ये मीडियम टू फेयर स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। एंड देन ये माई फर्स्ट हग, ये है मेटालिक शेड, अगर आपको मेटालिक शेड अच्छे लगते हैं तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फेयर स्किन टोन के लिए है, अगर आपका डीपर कॉम्प्लेक्शन है तो यहाँ पे चटक लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, तो ये सिर्फ फेयर स्किन टोन के लिए है। एंड देन ये वो शेड है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा ब्राउनी बगेंडी काइंड ऑफ अ शेड, वैम्पायर काइंड ऑफ अ शेड, एक्चुअली जैसा दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा डीपर है, और ज़्यादा डीप है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड देन ये है बहुत ही प्यारा सा कॉरल काइंड ऑफ शेड, ये भी परफेक्ट है समर्स के लिए, मुझे बहुत प्यारा लगा ये वाला शेड भी। एंड देन ये भी बहुत प्यारा कॉरल शेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और फिर ये है न्यूडी पिंकी कॉरली काइंड ऑफ शेड, ये भी बहुत प्यारा शेड है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा है। तो इसकी शेड रेंज ना बहुत प्यारी है, समर्स के लिए एकदम परफेक्ट कलर्स है इसमें, आपको बहुत प्यारे प्यारे शेड रेंज मिल जाएंगे, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं सिवाय एक आध को छोड़ के। एंड देन ये बहुत ही प्यारा डीप पिंक शेड, ये हर एक स्किन टोन में बहुत अच्छा लगने वाला है, मुझे ये वाला शेड बहुत प्यारा लगा है, बहुत अच्छा लगा, ये हर स्किन टोन पे जाएगा, आई रियली लव दिस शेड। कर लेते हैं उन लोगों की जिनके थोड़े लिप्स ड्राई साइड पे हैं, जो ऐसी लिपस्टिक ढूंढते हैं जो लिप्स पे कंफर्टेबल हो और काफी ज्यादा अच्छे समय तक टिक भी जाए, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगी ये पर्पल की अल्ट्रा एचडी मैट लिपस्टिक्स, ये है बुलेट लिपस्टिक्स। अगर आपने ये वाली लिपस्टिक्स यूज की हो, कलर बार की ये वाली एंड मेबेलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक्स, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा ही है, बस फर्क इतना हो जा रहा है मैं आपको बताऊँ की ये एक नया ब्रांड है, पर्पल ने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है, एंड ये अपनी पैकेजिंग पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके कंपेरिजन में वो तो यार देखो इस तरह से मैं आपको स्ट्रेट अवे दे देते हैं, एंड आप किसी को गिफ्ट भी अगर करोगे तो आपको पैक करना पड़ेगा एंड तब आप दे सकते हैं, बट इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है, इसमें स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है आप एज इट किसी को गिफ्ट कर सकते हो तो दे लव इट। अगर मुझे कोई इस तरह की पैकेजिंग में गिफ्ट करेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एंड प्लस इतने अच्छे से इसके अंदर भी अगर आप जब खोलते हो तो ये बहुत अच्छे से नीटली इस तरह से रैप होके आती हैं। एंड जो है मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, वैसे डिटेल रिव्यू इन लिपस्टिक्स के ऊपर बहुत जल्दी एक दिन में शेयर कर लूँगी, लेकिन आज 50% ऑफ था, मैंने कहा मैं आपके छोटा सा रिव्यू शेयर कर लूँ एंड स्वॉचेस शेयर कर लूँ। तो ये वाली लिपस्टिक जो है आपके लिप्स पे कंफर्टेबल रहती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, एंड ऐसा नहीं है कि ड्राई कर देंगी ऐसा कुछ, तो लिप्स पे कंफर्टेबल है, मैट फिनिश देती है, थोड़ी बहुत ट्रांसफर होती है जो कि नॉर्मल मेबेलिन एंड लैक्मे की भी, मेबेलिन लैक्मे एंड कलर बार की जो क्रीमी मैट लिपस्टिक होती है हर लिपस्टिक्स की तरह ये भी थोड़ी बहुत ट्रांसफर हो सक होती है, 7 से 8 घंटे ईजिली स्टे कर जाती है जी। और ये है उन लोगों के लिए जिनके लिप्स ड्राई वगैरह होते हैं लाइक मेरी तरह, मैं बहुत ज़्यादा लिप बाम एडिक्ट हूँ, मैं लिक्विड लिपस्टिक्स बहुत कम वेयर करती हूँ या फिर वीडियोस के लिए वेयर करती हूँ, जैसे कि मैंने अभी वेयर की हुई है, रियल लाइफ में मैं लिक्विड लिपस्टिक बिल्कुल ना के बराबर वेयर करती हूँ, मेरे को पसंद आती है बुलेट लिपस्टिक्स या फिर हमारे लिप क्रेयॉन्स, क्योंकि वही मेरे लिप्स को थोड़ा सा मॉइस्चराइज रखते हैं, मुझे अनकंफर्टेबल नहीं लगता, मैं इजिली अपना काम कर पाती हूँ। ओके तो ये बुलेट लिपस्टिक इस तरह की पैकेजिंग में आती है, इसमें मैग्नेटिक क्लोजर आप देखोगे, बिल्कुल मैग्नेट, बहुत ही प्यारी और क्लासी पैकेजिंग है, मैग्नेटिक क्लोजर है, बहुत ही क्लासी और कूल सी पैकेजिंग है, ब्लैक कलर की, पर्पल लिखा हुआ, मुझे बहुत अच्छी लगी लुक वाइज, एंड प्राइस के हिसाब से जो लुक्स मिल रही है बहुत ही कमाल की है। चलिए देख लेते हैं स्वॉचेस, ये है ट्रैवल पार्टनर, ये है इनका हाईएस्ट सेलिंग शेड, इस वाली रेंज में ट्रैवल पार्टनर इज द हाईएस्ट सेलिंग शेड, आप जाके रिव्यूज देखोगे ना वहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने भी लिए हैं ट्रैवल पार्टनर ट्रैवल पार्टनर ट्रैवल पार्टनर। तो ये है पर्पली काइंड ऑफ अ पिंक शेड, एंड देन सेकंड वाला है मॉवी ब्राउनी न्यूडी शेड, एंड थर्ड वाला है कॉरल काइंड ऑफ अ शेड, दिस वन इज अ डीपर पिंक शेड सूटेबल फॉर ऑल स्किन टोन। एंड ये है जुम्बा पार्टनर, ये एक इकलौता न्यूड शेड है इस वाली पूरी रेंज में। एंड देन ये गॉसिप पार्टनर, बहुत ही प्यारा सा रेड शेड है, हर स्किन टोन के लिए सूटेबल है। चलिए देख लेते हैं लिप्स वॉचेस, ओके तो ये है जुम्बा पार्टनर, ये है न्यू शेड इस पूरी रेंज में, एंड आप देख लीजिए कैसा लग रहा है। वैसे अगर आप स्मोकी आई वगैरह करते हैं तो उसके लिए अच्छा लगेगा। देन ये ट्रैवल पार्टनर, दिस इज पर्पल टोन पिंक, तो अगर आपको पर्पल टोन पिंक अच्छा लगता है तो यू कैन गो फॉर दिस वन।
बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है लिप्स पे, बहुत अच्छा लगता है, लाइक इसको वेयर करके बहुत कंफर्टेबल लगता है। एंड ये है बुक क्लब पार्टनर, ये बहुत ज़्यादा इसमें पर्पल का हिंट है, बहुत ज़्यादा पर्पल है इसमें, पर्पल एंड रेड एंड पिंक का कॉम्बिनेशन है ये। देन ये एम्बिशिंग पार्टनर, ये है डीप पिंक शेड, हर एक स्किन टोन पर अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा शेड है ये वाला भी। ओके एंड देन है ये तो वही अभी जो हाइकिंग पार्टनर, ये है हमारा मोवी न्यूडी पिंकी काइंड ऑफ शेड, बहुत प्यारा शेड है ये वाला भी, ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। एंड देन ये जो लास्ट शेड है ये है कूल टोन रेड, तो सब स्किन टोन में बहुत अच्छा लगेगा ये। तो हाँ ये थे स्वॉचेस। एंड देन आते हैं हमारे लिप क्रेयॉन्स, ये हैं NYBAE के, मार्केट में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल जो उन्होंने लिप क्रेयॉन्स सबसे पहले लॉन्च किए हैं वो है NYBAE। ये क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन वगैरह भी नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, हमारे लिप्स के लिए एकदम सेफ है, अच्छा ब्रांड है। इसको लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन थोड़ा टाइम ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गया एक्चुअली ये ब्रांड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाइक कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए या फिर एवरी डे के लिए ये वाले लिपस्टिक बहुत ज़्यादा कमाल की है। शेड रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली इसकी अच्छी बात ये कि इसकी जो शेड रेंज है जो इंडियन स्किन टोन है उनके लिए एकदम परफेक्ट है, मोस्टली इसमें डीपर एंड इस तरह की जो है शेड्स है, मॉवी पिंक्स रेड्स थोड़े बहुत न्यूज है, कॉरल, इस तरह के जो कलर्स है जो इंडियन स्किन टोन के लिए, लेकिन सब डीपर साइड पे है, तो वो मुझे अच्छा लगा इस रेंज के। और आप तो 70 रुपए की, 75 रुपीज की अवेलेबल है, जी हाँ 75 रुपीज की अवेलेबल है। तो आप यार ये इसमें एक दो रेंज आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, अगर आप लिपस्टिक्स अफोर्डेबल की रेंज में देख रहे हैं कॉलेज के लिए या एवरी डे के लिए या ऑफिस के लिए, तो ये वाली मस्ट हैव है। इसका रिव्यू मैं पूरी तरह से कर चुकी हूँ अपने चैनल, इसका रिव्यू मैं कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, अगर आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डाल दें, डेफिनेटली ट्रांसफर होती है, लेकिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा स्वॉच मतलब ट्रांसफर टेस्ट करके दिखाया था, बहुत 10 बार ट्रांसफर हुई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे लिप्स पे जो इसका कलर था इनटैक्ट था, कलर इतना ज़्यादा इसका पिगमेंटेड है, पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा ट्रांसफर करने के बाद भी मेरे लिप्स पे इसका कलर बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल हटा नहीं था पूरी तरह से। एंड लिप्स पे जो फिनिश देती हैं वो है मैट, लेकिन असल में दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑन लिप, दे आर वेरी क्रीमी इन एक्चुअल, बट लिप्स पे जो फिनिश देंगी वो होगी मैट। ये था छोटा सा रिव्यू, चलिए अब देख लेते हैं इसकी स्वॉचेस, लिप्स एंड हैंड्स। में एंड डबल स्वाइप में पिगमेंटेशन दिखाऊंगी किस तरह से आता है। तो ये है हमारा पहला शेड जिसमें एक स्वाइप में आपको कितना पिगमेंटेशन मिलेगा एंड दो स्वॉचेस में कितना पिगमेंटेशन मिलेगा, मैं आपको वो दिखा रही हूँ एक्चुअली। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये जो दो हमारे पहले शेड है एकदम सेम है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो जो बेवकूफ़ी मैंने की वो आप मत करना, मेरे तो पैसे गए, मतलब दोनों सेम शेड ही आ गए, कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो बाकी आप देखो स्वॉचेस, ये वन स्वाइप में एंड ये हो गया हमारा टू स्वाइप में। ओके सारे शेड्स वही हैं जो इंडियन स्किन टोन पे अच्छे लगेंगे, पिंक्स है, न्यूड्स है, बर्गेंडी, रेड एंड इसी तरह के शेड्स मैंने मंगवाए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना हम हमारे घर में एक्चुअली हम चार लड़कियां हैं, तो मैंने वही सारे, हम सब अलग अलग स्किन टोन के हैं, तो मैंने वो सारे शेड्स मंगवाए हैं जो अलग अलग स्किन टोन पे भी अच्छे लगे। तो ये है सारे स्वॉचेस सिंगल स्वाइप एंड डबल स्वाइप में, पिगमेंटेशन आप देख लीजिए डिफरेंस। सिंगल स्वाइप में जो डीपर कलर्स है काफ़ी अच्छी पिगमेंटेशन देते हैं, लेकिन जो लाइटर कलर्स है वो ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन एक स्वाइप में नहीं देते। तो ये वाटरप्रूफ टेस्ट कर लेते हैं इनका, तो जैसे कि आप दिख रहा होगा आपको कि ये वाटरप्रूफ टेस्ट पास कर गए हैं, बिल्कुल भी ब्लीड नहीं करें अपनी जगह से। चलिए मैं टिश्यू पेपर से एक्चुअली डैप करके देखती हूँ, देखते हैं टिश्यू में कितना आएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा टिश्यू में बिल्कुल ही ना के बराबर आया है यार, बिल्कुल ना के बराबर, इसका मतलब इसने वाटरप्रूफ टेस्ट पास कर लिया है, पानी डालने पे भी ये बिल्कुल ब्लीड नहीं करे, अपनी की अपनी जगह पर ही रहे। सी बिल्कुल ना के बराबर। चलिए स्मज प्रूफ टेस्ट कर लेते हैं, नहीं ये स्मज प्रूफ नहीं है, ये ट्रांसफ़र करती है, आप कुछ भी खाएंगे पियेंगे ट्रांसफ़र करती जाएंगी, लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात यह ब्लीड नहीं करती, लिप्स के बाहर फैलेगी नहीं। सॉरी एक्चुअली जब मैं कॉलेज में होती थी ना मैं LA18 की लिपस्टिक्स लेती थी, लेकिन LA18 की लिपस्टिक्स यार इतनी ज़्यादा ब्लीड करती है, ट्रांसफ़र तो होती है लेकिन साथ साथ लिप्स के बाहर इतनी ज़्यादा फैल जाती हैं जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आई विश अगर मैं कॉलेज टाइम में होती और ये वाली लिपस्टिक्स उस टाइम होती ना तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट कर लेते हैं हमारे लिप्स पे। मैं बहुत बार मैं देखना चाहती हूँ एक्चुअली कितनी बार ये हमारी लिप्स पे ट्रांसफ़र हो सकती है। तो दिस इज़ 4, हेयर वी गो 5,
ओके सिक्स, तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं ट्रांसफ़र होता जा रहा है, वैसे वैसे ट्रांसफ़र मतलब कम होता जा रहा है एक्चुअली। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ था एंड देन कम होता जा रहा है। हैव वी गो नाइन, ओके टेन, ओके मेरे हैंड्स में जगह भी ख़त्म हो रही है एक्चुअली अब। इलेवन, दूसरा हैंड मेरा ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, ओके फोर्टीन बार मैंने इसको ट्रांसफ़र किया एंड आप देखो कि अभी भी उसके बावजूद भी मेरे लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट बचा हुआ है। एंड ये जो मैं एक्चुअली कलर यूज़ किया है ये है बेस लोडेड, एंड आप देख लो मैंने इसको 14 बार ट्रांसफ़र करने के बाद भी मेरे लिप्स पे कितना ज़्यादा इसका अभी भी मेरे लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा इसका पिगमेंट है। तो जो डीपर कलर्स है उनका पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जो लाइटर कलर्स हैं उनको आपको अगर पिगमेंटेड लिप्स है तो आपको 2-4 बार लाइक स्वाइप करना पड़ेगा अच्छे पिगमेंट के लिए। तो मुझे ये अच्छा क्वालिटी का नहीं है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। चलिए अब स्वॉचेस देख लेते हैं। ये है हमारा पहला कलर, ये परफेक्ट है कॉलेज एंड ऑफिस के लिए, एवरी डे के लिए बहुत ही प्यारा डीप पिंक शेड है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एंड देन ये है एक न्यूट कलर, ये है ग्रेश ब्राउनी मॉवी काइंड ऑफ ए शेड, एंड देन है ये वाला शेड, ये है एक बहुत ही ज़्यादा डीप रेड जो कि परफेक्ट है सारे इंडियन स्किन टोन्स के लिए। एंड देन है हमारा ये डीप बर्गेंडी शेड अगेन, ये भी प्यारा है शेड सारे इंडियन स्किन टोन्स के लिए। एंड देन है हमारा ये मॉवी पिंकी शेड, ये भी परफेक्ट है कॉलेज एंड एवरीडे एंड ऑफिस वेयर के लिए। एंड देन ये बेस लोडेड जो कि मैंने अभी आपको हैंड्स पे ट्रांसफ़र करके दिखाया है वो यही वाला शेड था बेस लोडेड, ये बहुत ही प्यारा कूल टोन रेड कलर है अगेन।